मौजूदा किसानी संघर्ष में कई तरह के सवालात उन्हां अनुभव लोगों के मन में उठ रहे हैं तो कुछ जिहड़े ये धारणा सोच के बैठे ने भी ये किसानी संघर्ष अज तक सरवाइव किस तरह कर गया। देसी लोगों के काफले जिन्हां बारे ये भरम पाया जा रहा सीगा कि इन्हां नूं दीन दुनिया का पता कुछ नहीं हुंदा, खेत च मिट्टी नाल मिट्टी हुंदे ने, ये जंगी मशकां वांगर किस तरह इकट्ठे काफलियां दे काफले चल रहे ने, किस तरह इन्ने डिसिपलिन दे विच बैठे हुए ने, इन्ने लोगों का खाना किस तरह बन रहा, खाना वरताया किस तरह जा रहा, ये रसद पानी कित्थों आ रहा, इन्नू फंड कौन कर रहा, ये लोग रात इन्नी कड़ाके की ठंड के रह किस तरह रहे ने, ये लोगों इन्हां दे न्याणे अंग्रेजी किदां बोलन दे ने, ये लोग जिहड़े आम दुनिया की नज़र के ऐसे भुलेखा पाऊ प्रचार के मारे हुए बैठे सन, ये लोग हुण ट्विटर के उत्ते गल्लां करन लग पए ने, कई लोगों दी समझ तो परे गल्लां ने। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसानी संघर्ष एक साडी सभ्यता की पहचान सी, आपसी भाईचारा सी, ये भाईचारा है जिहड़ा कड़कदियां ठंडां दे विच पाणी लांदा रहा, अज दियां पोह माघ दियां जिहड़ियां कड़कदियां कोहरे वालियां ठंडां ने इहदे विच नंगे पैरी नंगे धड़ ये रात नूं उठ के वारी सिर पाणी लांदे रहे ने। अज इहनां नूं ये मुश्किल लग रही है कि ये इत्थे इन्नी ठंड की कड़ाके च किस तरह बैठ गए ने, ये उह बंदे ने जिन्हां ने अज तक बड़ियां खाइयां वेखियां, मुढ़ कदीम तो ही जदों तो पैदा होए ने विदेशी जरवाणियां दे हमले हुंदे रहे, धड़ भी आंदे रहे, लुट्टां खोहां हुंदियां रहियां, उन्हां नूं इन्हां ने आप अपनी हिम्मत नाल अपने जज्बे दे नाल इहनूं अगे चलाया। हुण कह रहे ने भी इन्नियां ट्रालियां लै के ये कित्थे पहुँच गए ने, जां ते उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं ते नहीं पता उन्हां नाल ते असीं सहमति रखदे हां और उन्हां नाल असीं सुरता राहीं आखदे हां वी तुहानूं जे नहीं पता जैनुअली तुसीं जाण लओ पछाण लओ, हुण ते टैक्नोलॉजी दा इन्ना तगड़ा जमाना है, ते जिहड़े जाण के भी अवेसले होण दी कोशिश कर रहे ने उन्हां लई कोई भी नहीं उन्हूं समझा सकता, सुत्ते होए नूं ते कोई जगा सकदा, जिहड़ा जागदा होया सुत्ते दी एक्टिंग कर रहा होवे ढकंज कर रहा होवे उन्हूं कौन जगाए। हुण इह उह ट्रालियां ने हर साल लखां दी तादाद च लोक गुरपुरब मनाण जांदे ने, मस्या ते जांदे ने, मुक्सर दी माघी वेखदे ने, होले महल्ले ते जांदे ने, इन्हां लई ट्रैक्टर ट्रालियां बीड के किसे पासे वीरां कत्त के जाणा कोई औखी गल नहीं सी, लेकिन वो एक इन्हां दी मन दी शरदा सी, हुण ते समुची देश दे किसान भाईचारे लई जदों इह खड़ोत आ गई, जदों इन्हां दे उत्ते सिद्धा हमला कर दित्ता गया, चंद उन्हां लोकां दे मोढ़ियां ते चढ़ के जिन्हां दा सिर्फ ते सिर्फ इको मकसद सीगा कि अपना कारोबार करना ते वध तो वध मुनाफा कमाना, ये भाईचारे दे लोग ने जिहड़े किसी भी कुदरती आफत दे विच लंगर लांदे ने, परदेश नहीं अपने देश नहीं हुण ते विदेशां दे विच भी लंगर लांदे रहे ने, कितों दी भी गल हो ली जावे, हुण जदों अपने सिर ते भीड़ आ पणी ते ये काम नहीं सी कर सकदे, पिंडां दे पिंड तुसीं कितें वेख्या किसी ने कोई अगराई कीती होवे, ये तो लोग माण महसूस कर रहा है भाईचारा, सारा किसानी भाईचारा ये हर समाज के वर्ग के जात पात है हर लोग ने, ये पिंडा दे पिंड 12,500 पंजाब का पिंड सी जदों पहले दिन मोरली कतार च लोग हो तुरे ने, सब तो पहली गल मौके दे शासकां ने ते हाकम ने अहंकारी सोच का प्रगटावा कहिंदे आ कहा भी असी लंघन नहीं देने, असी दिल्ली आण नहीं देने, क्यों ये लोग वो सीगे अपने हकां की राखी लिए अपने देश की राजधानी जा रहे सी, तुसी किद्दां रोक सकदे हो। इस मुहिम ने समुचे भाईचारे नूं इकट्ठा किया, लोग कहिंदे वी लो तुहानूं हुण पहुँच के दसांगे, तुसी वेखो वह बंदिआं दा दिल कुरता जिगरा उस माँ का जिन्हें अपना मुंडा तोड़िया, आम एक एवरेज ट्रैक्टर 8-8.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, वो मगर 3.5 लाख तो लैके 5 लाख तक की ट्राली पाई हुई है, नौजवान मुंडा जिहड़ा उन्हूं ट्रैक्टर ट्राली नूं चला रहा, उस माँ नूं फिकर नहीं लगता कि मेरा मुंडा बाहर चलिया अगले पासे की गल होनी है, ये उहदा सिदक वेखो, उहदा परमात्मा झूठ आसरा वेखो। अज ते लोग इहो लोग गल्लां कर रहे ने जिहड़ा एक छोटा जिहा मोबाइल लैके उत्ते पहलां कवर पाते ने जेब पाते ने उहदे विच कि जी इहनूं किते कोई मीह ना पै जावे गर्मी ना लग जावे, वह वेखो बंदे जिन्हां 12-12, 15-15 लाख रुपए के अपने संद उस पासे नूं तोड़ दित्ते जिथे अगे कोई पता नहीं
किस तरह उन्होंने नाल वतीरा होएगा। हुण अज गल कर रहे संगत ते पंगत, ये बुनियादी गुरु साहिबान ने सिखाया, ये सिखाया गया जो असी सिखिया निके हुंदियां तो कि जबर दा टाकरा करना, जे किसी ते जुलम नहीं कहण दी साढ़े विच एक खुदाई तौर पर एक गल आ गई तो जुलम सहना सानू पाप दस्या गया। जे ये ना चूंडी वढ़ी जांदी हो सकदा हजार या कुछ लख दे विच ही लोग उत्थे पहुँचते। जदों कहा गया वी तुहानू रोका लावांगे, इन्ने नौजवान बजुर्ग मापे बच्चे परिवारां समेत वीरां घत दित्तियां भी आओ चलीए तुहानू दसदे आ। तीन दिन लगातार संघर्ष चलता रहा भी तुहानू लंघन नहीं देना, जदों लंघन जोगियां थावां बना लईआं फिर हुण उत्थे डटे ने मोर्चे दे उत्ते। हुण तरह तरह दीआं गल्लां फैलाईआं जा रहीआं ने कि जी इह ट्विटर कित्थों आ गया इहनां कोल। इह उह किसान दे पुत्त ने, तुसीं की समझदे हो कि किसानां नूं पढ़ना लिखना नहीं आंदा? अद्धा पंजाब ते आयलट्स करी बैठा, अंग्रेजी ते टपाक टपाक मारते ने, ये तो विदेशों से जाके इन्हां झंडे कढ दित्ते ने। कोई वह राशन पानी जदों बुझदा बहुत वड्डा भूचाल आया, केरला कित्थे आ ओ रब दी धुनी विच जाके इस देश तों उत्थे जाके लंगर लगे, उत्तराखंड च लगे, आसाम उड़ीसा च वेखदे ही रही है ना सारी दुनिया, हुण ते अपने ते भीड़ आ बनी सी। तुसीं इन्हां बंदिआं दा एक चीज़ नूं वेखण दी गल आ, जिहड़े अणभोल ने ते जिहड़े टकंज कर रहे ने कि सानूं नहीं पता हैगा, ये वेखो तुसीं कितें वेख्या किसे बंदे ने कहा कि मैं इन्नी सेवा की, मैं इन्ने पैसे लंगर च पाए? सब परमात्मा दा नां लै के सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी ये मेरी तुच्छ भेटा स्वीकार करो। लंगर मिल रहा, सब्जियां मिल रही, पकौड़े निकल रहे ने, दुध बनया उत्थे गर्म, कितने कॉफ़ी मिल रही, चाह मिल रही, अपने लिए नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने शुरुआत दे विच जदों सिखी दी जड़ लगी सी उदों कहा सी किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। ये जिन्ना हुण मीडिया है ये सब इहदा इतिहास रहा कि जिस बंदे ने साथ नहीं दिता उहदा आल्टरनेट साधन पैदा कर लिया गया। हुण किन्ने पंजाब दे विचों हरियाणे चो यूपी चो किन्ने चैनल ने, सारिया ने आपो अपने सोशल मीडिया के चैनल ने असली दिख दिखा दी उन्होंने भी ये की हो रहा। इस नौजवानी इस गीतकारा गल्लां कीतियां जांदियां सी कि तुसी पुठे पासे लाए ने, हुण वेखो किदां एन तीर दी सेध वांगर हिक च वजदे ने जिहड़े वो गाने गा रहे ने। एक एक रात च ते 24 घंटिआं च मिलियन व्यूज क्रॉस हो रहे ने। इन्हां ने जरवाणिआं दी शासकां दी अहंकारी सोच नूं जो ठल पाई है वह पंजाब ही पा सकता सी, पंजाब चलिया उहदे नाल हरियाणा, ये तो कल दीआं गल्लां ने। शुरुआती दिनां च पंजाब कित्थे तक हुंदा सीगा, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तों लै के ते पलवल तक पंजाब हुंदा सी, इधरों लाहौर तक पंजाब हुंदा सी, निकी जी सूबी है। ये पंजाबियां ने जिहड़ियां तेगां मार के आजादी लड़ी है और लई है, ये सारे देश लई आजादी लई सी, अपने सूबे लई थोड़ा कोई आजादी लई सी। सब तो वध इस इलाके दे लोकां दा योगदान है, भावें काला पाणी होवे, भावें सज़ा होवे, भावें अंग्रेज़ां दी विरोधता होवे, ते भावें फांसी दे झंडे चढ़े हो, ये फांसी के तख्ते एवें हौसले हस हस के नौजवानी की उम्रे इस धरती च भी तो विदेशों के भी। बाकी सारिआं नूं पता है कि नौजवान उमरे करतार सिंह सराभा तो मदन लाल ढींगरा तो लैके भगत सिंह तो ऊधम सिंह तक लैके कित्थे कित्थे तक लोगों ने कुरबानियां कीतियां, अज मुड़ वह दौर लैके आंदा कि समुचे देश नूं एक झंडे थले लामबंद करना पिया। अज तुसीं वेखो कोई पार्टी की गल नहीं, कोई समाज के वर्ग की गल नहीं, कोई जात पात की गल नहीं, सारे लोग उत्थे बैठे ने एक झंडे थले, सिर्फ किसानी ते अपने हक की राखी ली। असी इत्थे ही रहण वाले लोग हाँ, आप तुसी कदे मेले च कितें जाके वेख लो, दसां पिंडां दा इकट्ठ होवे हुण तक 50 वारी लड़ाई हो चुकी हुंदी है, लखां लोग बैठे ने, उन्हां दी सहनशीलता वेखो, उन्हां दी सुहिरदता वेखो, उन्हां दा सिरड़ वेखो। मैं इहो गल कहनी चाहूँगा कि इहदे तों मौके दे हाकम नूं सेध लैणी चाहीदी सी। तुसी की समझदे उहनूं पता नहीं गा? अज ते टैक्नोलॉजी दा जमाना ही बड़ा तगड़ा है, हुण ते सैटेलाइट इमेजरी हर सैकंड दे उत्ते अपडेट हो रही है, ड्रोन टैक्नोलॉजी चलती पई है, खुफिया तंत्र आ सारा, हर कोई दस रहा। जे कितें एक टीकरी बार्डर दे लै जाओ, लोग कहिंदे ने 18 किलोमीटर तो 15 तो वध दा काफला है,
जे सिंघू बैरीयर ते आ जावो ते ओ कहिंदे जी 18-20 नहीं 22 किलोमीटर है जी। जे पहला थोड़ा जिहा ढिला सी काम इधर गाजीपुर वाला, क्योंकि वो हौली गरीब छोटे किसान सीगे, हौली हौली पहुँचते सरकारी रोकां नूं टपदे आ गए उत्तराखंड ते यूपी वाले, वो जाके 12 किलोमीटर ते काफला बन गया। किसी नूं पता नहीं लग रहा भी ये किस पासे नूं देश जा रहा। शासक ये घरे बैठे सोची बैठे ने भी ये ताड़ी बेहतरी लई बिल ने, इन्हां बिलां दे विच हासिल की होएगा। हुण आर पार की लड़ाई करी बैठे ने, हुण इन्नी ठंड दे विच रोकां टप के जदों उत्थे पहुँच गए ने, ये शासक ये सोच रहा कि इन्हां ने अक थक के चले ही जाना, तो बहुत वड्डे मगालते दे विच हैगे ने। अज दे दिन समा है ट्रैक्टर जिहड़ा किसान है उहनूं पुत वांगर समझदा है, जदों ट्रैक्टर घरों चलिया उहदे च तेल पाणी पिया उत्थे जाके रहा, मगरों किश्तां वाले या नवें खरीदे ट्रैक्टर ने, कोई ट्रैक्टर 60 हॉर्सपावर तो थले दा नहीं गा, उत्थे गया उस ट्रैक्टर ने पहला तुहानूं साधन दिता चलण दा, उहदे मगर पाई ट्राली ने तुहानूं रहण लई जगह किसान लई पैदा कीती, उन्ने ही तुहाडे बैरीकेड धू के पासे मारे। उसे दे विच ही हुण मोबाइल चार्ज हो रहे ने, उहदे नाल ही कंप्यूटर लगे ने, उहदे नाल ही बत्तियां जगन दईआं ने, उहदे नाल ही नवीं नवीं इशू चल पईआं। उत्थे ही तुसीं वेखो कोई पता ही नहीं लगता दानी सज्जण कित्थों दे ने। कोई आ गया जी ट्रक भर के वाशिंग मशीनां छड्ड गया, कोई आ गया जी इहदी बिसलेरी दीआं बोतलां ने आ पाणी दी साडी लओ, टनां दे टन रोज़ दा दुध आ रिहा, सब्जी ताज़ी आ रही है, और उत्थे बनाउण वाले वेखो किद्दां किद्दां दे साधन, उहो ही देगां, उहो ही कड़ाए, उहो ही परातां, उहो मशीनां, उहो बॉयलर लगे ने। इस संघर्ष का यह लोगों को पता लग गया कि जदों एक समाज का वर्ग कदे किसी खिलाफ जरवाने के खिलाफ खलोंदा रहा है, हुण ते उहो शासक ने जिन्हां नूं आप एक एक वोट पा के उह चुण के उहनूं देश का प्रधानमंत्री बनाया, और उहदे लगों लोग जिहड़े ने थले लाणा बाणा है वह टिचरां करे किसी नूं, ते कौन बर्दाश्त करेगा। ना ये चूंडी वढ़दे ते ना ये किसान इकट्ठे हुंदे, ये देश दे किसानां दा मोरली कतार दा जिहड़ा जत्था सी वह हमेशा मुढ कदीम तो पंजाब रहा, भावें आजादी की लड़ाई सी ते भावें अंग्रेजां दे नाल लड़ के जदों वर्ल्ड वार एक ते वर्ल्ड वार दो दे विच गए, ये पंजाब दी किसानी दे पुत अगे चले सी, फिर बाकी देश गया सी। हुण अज ये गल्लां कोई कह रहा जी ये पंजाब वालिआं नूं तकलीफ है, हरियाणे वालिआं नूं तकलीफ है, यूपी नूं जां राजस्थान नूं, वह है ते किसानी भाईचारा, ਇਹ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਗੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਅੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਅੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਣ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੀਮ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਡਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 80-90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੰਬੜਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਮਿਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਕਫਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ,
टुटिया ना, अगे 35-34 दिन हो गए ने हले तक तो हौसला टुटिया नहीं। 4 तरीक तुसी सीधी रख दिती, वह भी निमाणे सिख बन के अपने। सिख का मतलब ये नहीं हुंदा कि किसी कास्ट किसी क्रीड दे नाल किसी धर्म दे नाल। एक शरीफ आदमी जिहड़ा एक अपनी धुन दे विच किसी आशे लई संघर्ष कर रहा होवे, वह आदमी कल देखो जो समाज दे हर पासे तो जिहड़ी अफसरशाही सी, जो लीडरशिप सीगी, जो मंत्री सन, वह गल्लां कर रहे ने किसानां नाल कि तुहानूं समझा दईए तुहाडी बेहतरी ले लो। किहड़ी बेहतरी करनी चाहते हो? जिहड़ा अगला बेहतरी लैणा ही नहीं चाहता, तुसीं क्यों उहनूं बेहतरी देनी चाहते हो? तुसीं 6% MSP की गल करदे हो, बाकी 94% नूं ते दे लवो। जे उह नहीं दित्ती जांदी तुसीं 6 दा वी क्यों गला घुटन दे हो? एक निक्की जी एग्जाम्पल आ, जे नहीं किसी नूं समझ लग रही, 6% लोगों को मान लो वे करोना की दवाई का असर हो रहा तो 94 का असर नहीं हो रहा, तुसी की कहोगे कि 94 नूं दवाई देनी है उहदे ते असर नहीं होया, तो जिन्हां दे 6 ते असर होया इन्हां नूं भी खत्म कर दिओ। ये बड़ी औखी गल आ। सिर्फ तो सिर्फ एक एड्डा वड्डा कम्यूनीकेशन गैप है मौके दे शासक दा ते थले जिहड़ा लाणा बाणा है। इत्थे लोग झटपट गल्लां कर देंदे, लाओ जी अद्धे मिनट च तुहाडी गल करा देंगे। मैं तो ये गल कहनी चाहना कि कदे तुसी साक्षात अपने नेता दे दर्शन कीते ने सवाए TV ते, तुहानू कौन जानदा उत्थे गिणती दे विच, इत्थे आ के तुसी दमक जे वजाई जांदे हो कि असी 2 मिनट च गल करा देंगे, हुण की होया? सो मेरी बेनती सिर्फ इन्नी के ना किसी नूं तंग करो, ते जे तंग करोगे ते फिर बैकफायर होना ही होना, उहदा मोड़वा मिलना ही मिलना। जे भाजी पाओगे भाजी मुन्नी मुन्नी है वापस, और ये साथी ने ये भाईचारा है जिहड़ा किसी की परवाह ही नहीं करता है। जे अपने धुन च मस्त सीगे इन्हां नूं मस्त रहन देना चाहिए सी, अपनी खेती करते। हुण दूजी गल आ रही, सारी दुनिया की हर इंडस्ट्री ते हर धंधा बंद सी, सिर्फ ते सिर्फ ये खेती भाईचारे ने साढ़े देश की आर्थिकता बचाई। 22-23 तरीक के लागे तुसी लॉकडाउन लाया सी, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन की इसे भाईचारे ने सारे देश के विच, ये कित्थों हो गई? तुसी उहदा ही गला घुटन नूं फिरदे हो। जिहड़े चंद धन्ना सेठ ने वो तो अगे तैयार बैठे ने कि असी इस चीज़ के उत्ते कब्जा कर लईए, वो तुहानूं की दे देणगे? दुनिया च कदे किसी की दुआ भी लै लई दी ये हुण तुहाडी सोच कुछ भी रही होवे, असी तो एक प्रैक्टिकल गल करन दी कोशिश कर रहे हैं कि समुचा किसानी भाईचारा। हुण जे ये कह दिओ कि तुहानूं पता नहीं लगा, तुहानूं समझ नहीं लगी, वो इन्नी दुनिया तक दुनिया का कोई प्राइज़ कोई ऐसा आशा नहीं छड्डिया किसानी ने, जिहड़े जिहदे ते जाके उन्होंने अपने दमक जे अपने झंडे नहीं चढ़ाए, भावें FAO तो लैके यूनाइटेड नेशनस तक, वो नाइजीरिया वर्गे गरीब लोगों तक, दुबई वर्गे लोगों तक जाके तो इन्होंने किसानी उत्थे जाके उगा दिती है। घाना वर्गे इलाकों चो सब्जियां पैदा करके यूरोपीयन कंट्री नूं भेज दित्तियां ने, तुसीं उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश करन दे। कहिंदे जी बिजली कित्थों लै लैणगे? सिद्धियां खंभियां तों तारां ला लईआं, ये भला किसानां नूं आंदियां नहीं लाणियां? जे अपने एक सैल दे उत्ते मोटरां चलांदे सी, इन्हां नूं बिजली लग गई, गर्मियां च पखियां दी लोड़ हुंदी सी, सर्दियां च हीटर सी, पाथियां दे हीटर बना ले इन्हां ने। गर्म पाणी वेख्या किद्दां उत्थे लोक सवेरे गर्मी च गर्म पाणियां नाल नहांदे ने, इन्नी कड़कदी ठंड दे विच। ये छोटियां गल्लां ने, वड्डा जिगरा वड्डा देश, और जिहड़ी सब तो वड्डी गद्दी ते तुसी विराजमान हो शासक साहब, कहण नूं तुसी प्रधान सेवक हो, उन्हां लोकां दी गल सुणो जिन्हां नूं गल सुनाणी अपनी आंदी है। तुसी जे इह सोचदे हो कि बाकी देश दे विच कोई नहीं बोलिया ते इहदा इह मतलब है कि वह चुप चुपीते बैठे ने, वह सिर्फ वेख रहे सीगे चिणग लई, ये भांबड़ मचिया जदों, हुण वेखो किद्दां बसां कारां ते लोकी पैदल चाले पाए हुए ने। सो ये चीज़ तो कुछ सबक लैण दी लोड़ आ। इन्ना हठ चंगा नहीं हुंदा, इन्नी हठ धर्मी चंगी नहीं हुंदी, इन्ना अहंकार चंगा नहीं हुंदा। अत दा रब दे नाल वैर हुंदा, सो अंत ते अत दे विच इक अद्धक दा फर्क हुंदा है। ये किसान ये सोच के गए ने जदों तक ये बिल वापस नहीं हुंदे असी मोर्चियां तो नहीं उठना, तो तुसी एक ये चीज़ सोच के वेख लवो कि किन्ना समा रह गया तुहाडा पिछे। ये तो 3 साल भी वेट कर लैण वाले ने जदों अपनी गल मनाण दे उत्ते आ गए ने। सो मेरी सिर्फ यही बेनती है कि ये शासक अपनी सुहिरदता
सबूत देण एक किन्नी क गल सी बिल्लां नूं माफ करना इन्हां नूं लियाण दी लोड की पई सी। सो इस कूड प्रचार नूं बंद करन सीधा बिल वापस लैण ते किसानी नूं नवें साल ते को नवा तोहफा देण अगले जाके होर मेहनत करन अपनी।